अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हाय, कौन कह रहा नहीं? क्या हुआ बेटे, टिडीच पी रहे हो? रही क्या हुआ बताओ मुझे, पानी पीना है? अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम आपसे पूछते हैं कि आप लोग माइंड क्या करते हैं, ठीक है ना? आप बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सबीरा है और मैं ये माइंड करती हूँ कि आजकल लोगों में बिल्कुल भी तहम्मुल नाम की चीज़ नहीं है। अगर गलती से किसी, मतलब जब हम लोग इकट्ठे सफ़र कर रहे होते हैं या वैसे किसी जगह पे, किसी का अगर किसी के पाँव पे भी गलती से पाँव आ गया तो लोग आलम गलोच करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान होने के नाते हमें अपने अंदर थोड़ा बहुत जो है तहम्मुल पैदा ज़रूर करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है मैं बहुत माइंड करती हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि वाकई किसी में सब्र नहीं है, है ना? है ना, वाकई मैं बोल रहा हूं वो सबर करना, सबर करना। बाकी साड़ी कौम च सबर नहीं गया। एक बंदा दूसरे च रक्षा मार के कहंदा उठ पै मामे खां की मर गए हैं। अच्छा भाई, आप क्या माइंड करते हैं? ये टोपी जी, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं माइंड करता हूँ कि फलस्तीन में हमारे बहन भाई रोज ब रोज मर रहे हैं, लेकिन हमें एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म ने अंधा करके रखा हुआ है कि हमें उनकी परवाह ही नहीं, क्योंकि अब हमारी बाउंड्री के अंदर नहीं आते। थैंक यू। क्या बात है, हम इसलिए लोगों से पूछते हैं कि आप माइंड क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे कि हम एक दूसरे के लिए क्या माइंड करते हैं तो एक दूसरे की इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। वैसे भी पाकिस्तान तो आपको पता है एक जिंदा दिल कौम है और हमें रोटी का बहुत ही शौक है। निकी निकी बात पे हमें मीठे का बहुत शौक है। वाकई मिठाई का तो सानू बहाना चाहिए सर। कोई दोस्त आके कहे ना मेरी मंगनी टूट गई, दूजे कह रहे हैं मंगा लिया मिठाई। फिर महीने जो है ना डाइटिंग करके अपना वजन गिराती है, लेकिन मेहंदी वाले दिन उसे मिठाई खिला खिला के ओवरवेट कर देते हैं। हाय हाय, बट जी दुल्हन ते बेचारी सिर्फ ओवरवेट हुंदी है ना, दूल्हे नु पूछो मेहंदी वाले दिन इतनी मिठाई खांदे ने अद्धे नालों बहुते दूल्हे नु शुगर हो जांदी। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर डायबिटिक रेट 33% हो चुका है, यानी 33% डायग्नोस्ड केसेस हैं जी, जिसमें से 27% वो लोग हैं जिनको एक्चुअली पता ही नहीं कि हम लोग डायग्नोस हुए हैं कि नहीं। तो इसलिए प्लीज रेगुलरली अपने आप को चेक करवाया करें, अपना ब्लड टेस्ट करवाया करें, ताकि एटलीस्ट यू शुड बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम। मसले की जड़ ही है भाट साहब, किसी के अगे मिठाई वाला डब्बा करो ना, विचो एक पीस नहीं चुकता, अद्धा किलो मिठाई हाथ पाता। और ये शुक्र करो तुसी वजन घटा लिया, नहीं तो इंसुलिन जेब च रखनी पैनी सी। पता लगे दो बारी सलाम करना, तीन टीके लाने से। ऐसा होता होगा हम लोग तो मिठाई नहीं खाते। तो सीधी तरह कह, साडे घर खुशियां आंदियां ही नहीं। आज एक हमारे ऐसे मेहमान आ रहे हैं जो वाकई आते साथ ही खुशियां क्या बल्कि लोगों को हैरान कर देते हैं। क्रिकेट की दुनिया के अंदर लेजेंड से इनका स्टैचर कम नहीं है। एनी गेसेस के कौन आने वाले हैं? तो आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम कामरान अकबर। कामरान भाई, कामरान भाई, ये देखें तालियां। पूरा पाकिस्तान एक ही सवाल जानना चाह रहा है, शादी पे गए थे आप या आपको इनविटेशन आया था? इनविटेशन दूसरी शादियों का आया था, इसका नहीं आया था। अच्छा नहीं, आपको खबर कब पता लगी? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जब उसने खुद ट्वीट की है। उसे पहले किसी को नहीं पता? किसी को भी नहीं पता। हमारे साथ तो खेलता रहा, बचपन से हम लोग इकट्ठे खेलते हुए आ रहे हैं जी, लेकिन खबर नहीं लगने दी। देखो पढ़े लिखे लोग ट्वीट कर देने, ते मेरे सौरे ने मैंने ट्वीट पाए ने। जाहिर बात है हम लोग सारे खुश हैं कि अल्लाह उन दोनों को खुश रखे, आमीन। लेकिन क्या इतनी जासूसी थी? क्या मतलब कि खाने का बजट कम था कि सबको बुलाया नहीं? देखिए भट्ट साहब उनकी लाइफ है और मैं क्या बता सकता हूँ, मुझे खुद पता नहीं है। मुझे पता उन्होंने क्यों नहीं बुलाया दोस्तों को। क्यों? उन्होंने कहा पहले ब्याह से बुलाया सी, कट्टा जब बचे जरा दूजे से बुला लवा। बड़े हमारे प्लेयर्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं। आपका रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है? मैंने रिटायरमेंट तो दे दी हुई है, अब मैं पीसीबी सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ। अरे सर, ओ इसका मतलब है मेरा चांस है?
आप जैसे फिट हो गए हैं तो आपका तो बनता ही बनता है। देखें आजकल तो फिटनेस बड़ी काउंट हो रही है न्यूजीलैंड टूर के बाद की। बट साहब आप और स्मार्ट हो सकते हैं जी, आप दौड़ लगाया करें, होटल से खाना खाएं, जब बिल आए तो दौड़ लगा दें। आपको तो पता है अभी हाल ही में हम लोग जो वर्ल्ड कप के अंदर हमारी एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमारी टीम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। आपकी एक्सपर्ट राय क्या है कि हमारे बिरयानियों ने हम लोगों को ले डूबे या काला टोना जादू हमें ले डूबा? देखिए दोनों चीज़ें नहीं लेके डूबी हमारी क्रिकेट को, हमारी जो अपनी प्लानिंग थी ना पिछले 5-6 साल से वो ले डूबी है हम लोगों को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। हमारी एक तो डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हुई है 4-5 साल से, रीजनल क्रिकेट ख़त्म हुई है, नौकरीज इतनी चली गई हैं प्लेयर्स की और प्लेयर्स पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो गई थी मिलनी डोमेस्टिक क्रिकेट में। मेरे ख्याल से उस चीज़ की वजह से नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट को। और आप देखेंगे पास में कुछ टीमें हमारे पास आती रहीं, खेलती रही हैं, फुल टीमें नहीं आती रहीं, वो कोई बी टीम भिजवा रहा है, कोई सी टीम भिजवा रहा है, तो इसलिए हमें अपनी क्रिकेट और अपनी टीम का पता नहीं चला। जब फुल टीमें आई हैं जैसे एशिया कप हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें हमारी क्रिकेट थोड़ी सी एक्सपोज हो गई है। एक टाइम पे जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट थी वो वाकई इट वॉज बूमिंग, अब डोमेस्टिक क्रिकेट के जो हाल हो रहे हैं किसको ब्लेम करते हैं? देखिए ब्लेम मैं किसी को नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली जो भी चेयरमैन आया उसने डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया, ना कि मैच फीसें बढ़ाएं, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएं, वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं गया जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हुआ। तो यही एक वजह जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट का लेवल नीचे गया। कामरान भाई, आपको लगता है कि जो ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स है वो एग्जिस्ट करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा वैसे क्रिकेट के हालात बेहतर हो जाएंगे हुण? अच्छा अगो मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन, मैनू ये डर है वो ग्राउंड च ना कि अंडरपास बनवा दें। नहीं, खबरें आई थी कि जी वर्ल्ड कप के अंदर 2 कैंप्स बने हुए हैं और काफ़ी अफवाहें भी उड़ रही थी कि जी आपस में टीम जो है वो एक पेज पे नहीं है। नहीं अहमद भाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, परफॉर्मेंस ऐसी हो रही थी, मैच जीत नहीं पा रहे थे तो इसलिए चीज़ें सामने नज़र आ रही थी। फिर जब आप जीते ना सारी ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती, जब हार आती है ना तो फिर नेगेटिव चीज़ें बहुत सी चलनी शुरू हो जाती है। तो जब हार आती है ना तो उसमें गलतियां देखें, ना किसी को ब्लेम गेम खेलें, उसकी वजह से मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट सफ़र कर रही है। अच्छा कामरान भाई ने दसया कि टीम च अच्छी सिलेक्शन होनी चाहिए, मैं यही समझता सा सिलेक्शन सिर्फ सियासत ही होंगी। हम लोग सब जानते हैं कि बाबर आजम आपके आपके कज़न भी हैं, मगर कैप्टनसी के ऊपर उनको काफ़ी ब्लेम किया गया, वर्ल्ड कप के फौरन बाद ही उनको कैप्टनसी से हटा भी दिया गया। आपको लगता है वाकई ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड कप और नॉट? नहीं देखिए 4 साल हो गए थे कैप्टनसी करते हुए, और सिलेक्शन में मीटिंग में बैठना, कैप्टनसी करना, खुद बैटिंग भी करना, फिर जिम्मेदारी भी सारी, वो सारी चीज़ें लेके चलनी पड़ती, किसी भी कप्तान के लिए ईजी जॉब नहीं है। तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में जो डिसीजन हुए हैं, जैसी टीम सिलेक्शन हुई है, उससे थोड़ा सा उस पर ज़्यादा प्रेशर आया, उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं आई, लेकिन अच्छा है इतना टाइम मिल गया। और अभी आने वाले टाइम पे भी उसने ही बनना है कप्तान, क्योंकि वो बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान का, दुनिया का नंबर वन प्लेयर। बट ये भी बड़ी बात है 4 साल वो कप्तान रहे, नहीं तो इतने तो हुकूमत 3.5 साल तो बाद नहीं चल रही हैं। हाय हाय, ये भी है, ये भी है। क्रिकेट और सियासत का बड़ा एक गहरा रिश्ता है, आपको तो पता है आजकल क्रिकेटर्स जो है वो पॉलिटिक्स में जाने से भाग रहे हैं, अब वो नहीं जाना चाह रहे, लेकिन कोई ऐसी इन्विटेशन आई है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले? देखिए अहमद भाई, जो सियासत में एक ही वो आ सकते थे वो आ गए हैं, वो रहते भी ना तो कोई भी ना आता, मैं आपको एक बात। और नाले क्रिकेटर्स को लोना ऑप्शन आ गया सर, निगरान वजीर बनन दा। कोई इन्विटेशन वगैरह नहीं है कि पार्टी ज्वाइन कर लो? नहीं है, आते रहते हैं लेकिन इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है, लेकिन यह है कि इस तरफ कोई जाएगा तो फिर वो समझ जाए क्या होगा। सिलेक्शन कमेटी के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपके ऊपर आ रही हैं? देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टीम सेलेक्ट करना, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना जो हम लोग देख रहे हैं, और आगे जो PSL है, फिर PSL के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट, फिर T20 वर्ल्ड कप होना है, उसकी तैयारी है, तो उसको उस तरफ हमारा ध्यान है कि एक टीम अच्छी बना सकें। जो पिछले 5-6 साल से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, पाकिस्तान में आके टीमें हमें हरा के चली गई हैं और बाहर भी जाते हैं जीत नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश है कि एक अच्छी टीम और जो एक पाकिस्तान का नाम है क्रिकेट का, वर्ल्ड चैंपियन हम लोग रहे हुए हैं, उस क्या नाम है अप्रोच को वापस लेके आए। मुझे पता है PSL आने वाले, PSL के लिए फुल तैयारी है? फुल तैयारी PSL के लिए।
और आपको लगता है कि जलमी इस दफ़ा कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी? जलमी अपनी परफॉर्मेंस से पहुँचेगी और बाकी टीमें भी बड़ी अच्छी हैं, मुल्तान, इस्लामाबाद, सिर्फ जलमी नहीं बाकी टीमें भी। ये बड़ा काम कर रही है पीएसएल के लिए। अच्छा, ठेका ले लेने चिप्स बेचेगी उठे हूँ। सबसे पहले खाने के लिए आप ही लाइन में लगे हुए होंगे। सॉरी, मैं नगद खा लेता। वाह वाह। आपके अपने एक्सपर्ट ओपिनियन में पीएसएल का गाना जो होता है हमेशा वो बड़ा ही एक मेन होता है कि जी गाना जो है वो बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, आपको लगता है कि इस साल अली जफर को गाना गाना चाहिए? अली भाई ने तो 2-3 साल एंथम पीएसएल का बनाया है, तो बड़ा अच्छा गया। उसके बाद जिसने भी बनाया पीएसएल का एंथम, बड़ा जबरदस्त। आपका फेवरेट कौन सा वाला? मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे अपने जलमी के बड़े फेवरेट है। जो जलमी के अपने बनते हैं ना, वो बड़े जबरदस्त है। मुझे तो नसीबों का अच्छा लगा, वो पीएसएल का नहीं था, गुजरावे। अली जफर साहब को इनविटेशन गया और उनको प्रॉपर पीसीबी ने कहा कि आप इस साल गाना बनाएं, और उन्होंने गाना भी बनाया, लेकिन फिर एकदम पीसीबी ने यू टर्न ले लिया और अब वो उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे, तो ये हरकतें पीसीबी क्यों करता है इस तरह की? बट साहब, मैं यहाँ पे एज ए क्रिकेटर आया हूँ, फुप्पो बन के नहीं आया। भाई एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, माइंड ना कीजिएगा, अभी वापस आएंगे, फुप्पो के लिए चाय लाएं जल्दी। वेलकम टू माइंड आई डोंट माइंड। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनसे हम अगर इख्तलाफ रखते हैं तो हम बताएंगे कि जी आई माइंड, और अगर आप कहते हैं कि नहीं यार आई डोंट माइंड, तो आप यहां रख लेंगे। हमारे न्यूज कास्टर जो हैं वाजिद साहब, आर यू रेडी? कैसा लग रहा हूं पहले तो ये बताइए। मुझे लग रहा है छोटे भाई का कोट पहन आए आप। अच्छा, वाकई श्रिंक हुआ हुआ थोड़ा सा? ओ यार, तुपे पे आ रहा है मेरे नाल ही। ओहो, मैं भी खुद था। अच्छा जी, हम आगाज करते हैं अपने सेगमेंट का। सबसे पहले, उमर अकमल को कीपर बनना महंगा पड़ा। ओहो, दोनों ही। पहले आप क्यों डोंट माइंड? इसलिए कि उसकी बैटिंग में बड़ा फर्क आया, और एज अ बैट्समैन जब वो खेलता था तो अच्छी परफॉर्मेंस देता। एक डबल जिम्मेदारी आ गई, तो फोकस करना, मेहनत उस तरफ से करना बड़ा मुश्किल होता। कीपर बैट्समैन नहीं बन सकता, और जो बैट्समैन है वो कीपर नहीं बन सकता, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता जी। आप एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, हालांकि ये माशाल्लाह कीपर भी हैं और बैट्समैन भी है, अपने मतलब थोड़े पूरे आगे। वो इसलिए कि आप जब स्टार्ट करते हैं ना क्रिकेट, तो फिर आप कीपर बैट्समैन करें ना, तो आपके मसल डेवलप होते हैं। तो आप एक जॉब करते हैं, फिर ये आप में जाके आप ये ऐसी कोई चीज ऐड करते हैं, तो उसमें फिर आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती। मुझे लगा वो काफी ज्यादा लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया था, और उसकी वजह से काफी परफॉर्मेंस, फिर परफॉर्मेंस नीचे आती है तो फिर क्रिटिसाइज होता ही है। हाँ, चलें जी, अगला पॉइंट, सर्दियों में आइसक्रीम खानी चाहिए। मैं तो खाता हूँ। आप लोग खाते हो? क्या बात है। मुझे इसलिए खानी पड़ती है, मेरी बेटी को बड़ा शौक है खाने का। अच्छा? मुझे भी साथ खानी पड़ जाती है। बेटियां रिश्ता ही ऐसा है कि उसकी वजह से शुक्र है भाभी नूं शौक नहीं है। नहीं तो तानू राती भी खानी पैनी सी, दिने भी खानी पैनी सी। आप तानू की पता। नहीं नहीं, वैसे मुझे वाकई शौक है, मुझे तो आइसक्रीम आप बहाना बस ही है मुझे। अब मैं हालांकि अवॉइड करता हूँ, मगर मैं सर्दियों में गर्मियों में आइसक्रीम आइसक्रीम तो मैं पता कैसे खाता हूँ, लेके जाते हैं ना तो वो मुझे कहते हैं आपने खानी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खानी, फिर कहते हैं कि हमसे मांगनी नहीं है आपने। अच्छा, मैं अक्सर फ्रिज के अंदर से गायब कर देता हूँ आइसक्रीम। तो यार ये कहाँ गई, कहाँ गई? ये पता क्यों गायब कर रहे हैं? जब से फिट हूँ मैं। हाँ, भाभी पूछती है ना, यहाँ पे 2 किलो आइसक्रीम थी, आप तो नहीं खा गए कहीं? मैं कहता नहीं। कहाँ चिट्टे। अच्छा जी, पॉइंट 3, रमीज राजा को दोबारा चेयरमैन पीसीबी नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? I don't mind. पहले आप देखें, रमीज भाई माशाल्लाह इतने काम और भी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो कंपेयरिंग भी कर रहे हैं, वो कमेंट्री भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन पे आके अभी उनके ऊपर ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया, और उसके अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। उनकी लेगेसी इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि उनको बाकी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। चेयरमैनशिप के लिए सेठी साहब है ना? ओ, अभी नहीं है, अब नकवी साहब हैं ना। चलें, वो है ना, यही है कि हमने जब भी देखा उनको ग्राउंड में देखा, एक तो खेलते हुए देखा,
फिर कमेंट्री करते हुए देखा, फिर प्रॉपर एनालिसिस करते हुए देखा, तो उसमें ज़्यादा उनका फेमस नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त है, तो मेरे ख्याल से हम सब पसंद भी करते हैं उनको कमेंट्री बॉक्स में, तो वहाँ पर रहें तो ज़्यादा अच्छे। रमेश भाई के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। जी अगला पॉइंट है कामरान भाई, मोहम्मद आमिर को अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए। I don't mind. पहले आप बताइए क्यों माइंड किया आपने इस खबर को? देखिए अभी बड़ी क्रिकेट है उसमें, अच्छा। खेल सकता है, बस थोड़े से आपको पता है कि मैनेजमेंट के साथ इश्यू थे, जब उसने रिटायरमेंट ली है वो खत्म होने चाहिए, बड़े हैं सीनियर है, छोड़े पाकिस्तान के लिए वापस आए, और बड़ा मुश्किल टाइम देखा उसने, वापस आया क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी हेल्प की है, आ जाए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा, बाकी उसका अपना डिसीजन है। आप बताएं। थोड़ी सी इनकी बात से मैं इख्तलाफ इसलिए करता हूँ, देखिए अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत कम होती हैं, स्पेशली प्लेयर्स इतने ज़्यादा हैं पीछे, इतने ज़्यादा पीछे, उनके साथ जो कुछ हुआ वाकई बुरा हुआ, और मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत से अपने प्लेयर्स को अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 4-5 साल का टाइम जो है एक वो गुजर चुका है, और हमारे पास नया लॉट इतना ज़्यादा है कि अगर हम लोग पिछलों को ही चांस देना शुरू कर देंगे तो फिर नए लॉट की क्या होगा। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं। कप चोकलो जी, सरफराज अहमद के साथ ना इंसाफी हुई है। अरे ये है इख्तलाफात, मैं भी तुहानू लड़ा के छड़ना। कामरान भाई ने तो जुगत की थी ना, मैं फफे कुटन फुफो बन के वफावांगा। पहले आप बताइए क्यों? देखिए एक परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनती है, चाहे वो कप्तान खेल रहा हो चाहे कोई भी प्लेयर्स खेल रहा हो, जब परफॉर्मेंस डाउन होती है तो ऑटोमेटिकली थोड़ा रिप्लेस कर लेता लड़के को, तो सरफराज के साथ ऐसा ही हुआ, तो फिर देखिए उसने परफॉर्मेंस दी है, जगह ली रिजवान की जो रेगुलर खेलता वो आ रहा था, उसकी फॉर्म नीचे गई है तो जगह ली है, तो ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट और टीम का हिस्सा, किसी ने आना किसी ने जाना, सारी ज़िंदगी तो नहीं खेलना, हम भी खेल रहे हैं, बाहर हुए हैं, हमसे पहले वाले भी हैं, तो ये तो चलता रहता है। आप बताएं क्यों? आई डोंट माइंड। मैंने उनका आंसर सुन के मैं भी चेंज कर लेता। नहीं सही कह रहे वैसे वो, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट था, मगर उनका जो रीज़न है वो बाकी है कि भाई आप परफॉर्मेंस के ऊपर होते हैं, तो हालांकि उनकी अगर आप देखें उनका बहुत एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने पाकिस्तान को जो विंस दिए, मगर अगलों को भी चांस मिलना चाहिए, इसलिए मैं भी एग्री कर रहा हूँ। शाहिद अफरीदी साहब को फौरी तौर पर सियासी जमात बना लेनी चाहिए। जी वो दोनों ही डोंट माइंड। हाँ जी, तुसी ये मतलब है पहले कप्तान तो कुछ नहीं सीखा। जी पहले आप नहीं, जैसे वो काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए, और अब जरा सामने नाम भी है, फेम भी है, और परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त है। हाँ। अपनी फाउंडेशन के साथ उन्होंने जैसे काम किए हैं तो डेफिनेटली एक मेरे ख्याल से उनको नया रोल मिले तो अच्छी चीज है, और करना भी चाहिए, एक्टिव भी हैं बहुत ज्यादा। हाँ अभी भी आप देख लें कि फोन करते रहते हैं आपको शाहीन को मतलब वर्ल्ड कप में हर वक्त बयान आ रहा था कि मेरी शाहीन से बात हुई है, मेरी शाहीन से बात हुई है, फिर कहते मेरे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैं तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। देखिए पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उनका स्टांस भी बड़ा अच्छा है, लाला की पर्सनैलिटी भी वो है, बड़े पॉजिटिव भी है। हाँ, लाला को मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आप कोई अपनी सियासी जमात बनाएं तो जरूरी तौर पे इंतखाबी निशान रखिएगा, करेला कद्दू भिंडी बत्तख टमाटर वगैरह वगैरह, क्योंकि बल्ले ते पाबंदी। अच्छा जी अगला पॉइंट है, अहमद शहजाद को अब क्रिकेट छोड़ के ड्रामों में काम करना चाहिए। ओए दोनों ही, पहले बताइए आपने क्यों माइंड की ये बात? इसलिए कि अभी बड़ी क्रिकेट है और परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त है, और कैंप का हिस्सा भी बना 3-3.5 साल के बाद, और बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से अभी उसको क्रिकेट की तरफ ही फोकस रखना चाहिए। हम लोगों का भी काम है उसको क्या नाम है, अपने प्रोसेस जो हमने बनाया हुआ एक सिलेक्शन का, उसमें वो आता रहे जैसे उसकी परफॉर्मेंस है। वेल डन। और आप? भाई हमारे पास वैसे ही पप्पू बच्चे बड़े कम हैं, अगर वो आ जाएंगे तो उनको चांस नहीं मिलेगा, इसलिए फिर ताड़ी छुट्टी हो जाएगी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें अदाकार और नहीं चाहिए, इसलिए उनको वहीं रहने। ये नहीं, आप ये समझते हैं कि अगर वो एक्टिंग फील्ड में आ गए तो तुसी वेले हो जाओगे। ठीक है, आपका अच्छा फैसला है जी। अच्छा जी अगला पॉइंट है कि कामरान अकमल को दोबारा शेरवानी पहननी चाहिए। घर जाना और भाभी शो वेख रहे यार एक मिनट, आपने ये तो नहीं पूछा हो सकता है कि वो पॉलिटिक्स में आके शेरवानी पहने? मैंने भी यही, हो सकता है आपको वज़ीर-ए-आज़म इसमें तो नहीं हो सकता ना, शादी भी हो सकता
ये तो नहीं हो सकता। माइंड किया और क्या समझा आपने, कौन सी शेरवानी में कह रहा हूँ? आगे तीन दिन से ना बड़ी क्लास लग रही है। फोन आ रहा है, भाभी ने देख लिया। नहीं अब वो कहते हैं कि किसी टीवी प्रोग्राम में नहीं जाना। अच्छा जी, अगला पॉइंट है कि बाबर आजम वर्ल्ड कप में अच्छा कप्तान था। I don't mind ऐसे प्याजे पेचा। देखिए मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप में सिर्फ बाबर भाई नहीं बल्कि पूरी टीम के ऊपर आता है ये चीज। हम लोग अंडर प्रिपेयर थे, हम लोग प्रेशर में थे, एज ए टीम हमने नहीं मतलब परफॉर्म किया, हम लोग इंडिविजुअल के तौर पे हम लोग परफॉर्म कर रहे थे और वो नजर भी आ रहा था। ये बिल्कुल यही बात है, एज ए टीम परफॉर्म नहीं किया और हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है ना एशिया कप से नीचे चली गई थी, वो दोबारा उठ नहीं सकी, जिसकी वजह से रखो ना। नहीं मैं पहले अपना क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस बता तो इसलिए, लेकिन यह है कि जितना भी वो अच्छा कर सका अपनी कोशिश की है उसने और कुछ मैचेस में अच्छी कैप्टनसी भी की है, लेकिन जितना टाइम मिल गया था उस हिसाब से कैप्टनसी नहीं हो सकी। ओके, दोनों का पॉइंट आ गया। शोएब अख्तर एक ब्रांड है। देखो यार, आई डोंट माइंड, ब्रांड है शोएब अख्तर, एक ब्रांड, आई डोंट माइंड, शोएब अख्तर एक ब्रांड है भाई, ये बात डिजर्व भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर हैं, सबसे तेज और नाम भी है, क्रिकेट लेजेंड है, पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंस है, जिन हालात में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिन प्लेयरों को उन्होंने बॉलिंग की है उस हिसाब से बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन, एक कजन अगर सुपर स्टार क्रिकेटर हो तो दूसरे सुपर स्टार कजन से बूट नहीं मांगने चाहिए। भाई जरा बूट नहीं, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक मांगते हैं, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। आ तेनु मौज करावा, आ तेरी गर्दन लावा। लो बजट फिल्मा दा बेकारी कौन है जी? ये डाइट बप्पी लहरी लग रहा है। सर आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं जी मैंने नहीं पहचाना, कौन है भाईजान आप? सर मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। ओ टाइम ट्रेवलर, यानी अगले पिछले जमानों में जाने वाला इंसान? हाँ जी हाँ जी। वेल डन। मैं अगले पिछले जमानों में जाने वाला इंसान हूँ, तुसी तक कराया थोके ते नान के अंदर नहीं गए कभी। जब आपको थोड़ा सा टाइम मिले प्लीज गेट अ हेयर कट। पैगाम होवे दे। आहो यार याद नाल मेरे अब्बे नूं कहीं तेरे अब्बे नाल फिरना छड्ड देवे, दोजख तों अगे किथे जाणा सी हुण। मेरे अब्बे नाल फिरदा सी हुण अपनी गल तों फिर गया। लेकिन सर ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਆਪ 2024 ਮੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਹੈ। ਸਰ ਰੀਅਲੀ 2024 ਮੇ? ਓ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2035 ਮੇ ਥਾ। ਓ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, 2035 'ਚ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਓ ਸਰ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਕੀ ਸਰ ਜੀ 9700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ। अमीर घर दे मस्त हुंदे ने। ये बताएं जिस जमाने से आप आए हैं उधर क्रिकेट की क्या पोजीशन है? लाहौर की एक मसरूफ शाहरा पर उमर अकमल साहब एक वार्डन वाले से बहस कर रहे हैं। ओ यार है ते पुरानी गल सी, 35 च भी ओही हो रहा है। ओही हो रहा है भाई ने। ए 24 च इंज दे ने, 35 च भी इंज दे ही ने। सर शोएब मलिक साहब फिर कोई प्रीमियर लीग खेल रहे ने। अच्छा अच्छा। और कोई बोल्ड तस्वीरें भी खिंचवा रहे ने। और तुहानू पता है कामरान अकमल साहब का माशाल्लाह बेटा डेब्यू कर गया है। क्लैप यार, वाह वाह वाह, क्या बात। झूठ मारन दे, मेरे बेटे नूं शौक ही नहीं है क्रिकेट का। ओ यार तू सारियां गल्लां छड्ड, 2035 च पेट्रोल दे की हालात सन? 2035 में मैंने पेट्रोल क्या मतलब मैंने गाड़ियां नहीं देखी यार। 2035 में गाड़ियां नहीं थी क्योंकि सारी दुनिया ने बिजली पे चलाने वाली गाड़ियां बना ली। ओ इलेक्ट्रॉनिक कार्स आर एवरीवेयर। हां जी 2035 में दसो
ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ 24 ਚ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ 35 ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਟਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ आपको पता नहीं है पानी की किल्लत की वजह से लोग मुंह धोना ही छोड़ गए अच्छा दैट एक्सप्लेन्स योर फेस ए भाई ने की किया उन्हें कहा गिल्ली टाकी जेब च रख तू तो फेर लिया कर ए भाई ने क्रिकेट खेलते सी ओ इनिया चीजा ला के अंपायर नु दितियां उन्हें फट्टा ला लिया उत्ते आप जिस जमाने से आए हैं उस वक्त वजीर आजम कौन है वजीर आजम कोई नहीं था अभी इलेक्शन हो रहे थे वहां पे दो पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी अच्छा एक पार्टी कह रही थी ये गलत है वो कह रहा था वो गलत है लेकिन दो पार्टियां हो सकती हैं तीजी ते पाबंदी है सर हाँ बिल्कुल तब तक भी होगी पाबंदी आप अगर फ्यूचर देख के आ रहे हैं तो मुझे बताएं क्या उस फ्यूचर के अंदर भी पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है सर बहुत नाजुक मोड़ है बेसिकली सर मैं अभी से आपको अलार्मिंग सिचुएशन देना चाहता हूँ अगर आज से आपने होश ना संभाले आज से आपने ना देखा तो सर मुस्तकबिल बहुत तारीख है यकीन करें ये ख्वाबे परेशान में क्या देख रहा हूं ये ख्वाबे परेशान में क्या देख रहा हूं हर शख्स का चौथा है व्याह देख रहा हूं चौथा ठीक है तीन नाले आते ते सख्ती जे अच्छा भाईजान अब आपका मेरा ख्याल है जाने का वक्त है या आने का वक्त है यार मुअज्जज आदमी अगर भेजना होता ना गेस्ट नु प्यार ना भेजी दा पूछो किंग जी हट 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 अच्छा जहां तक ये नेपोटिज्म का हमारे पास तो बड़ा आता है इल्जाम उस तरह क्रिकेटर्स के ऊपर भी आता है कि जी उसका बेटा आ गया है क्रिकेट खेल रहा है और ये सारा कुछ हो रहा है और सिलेक्शन भी हो जाती है और ये आपको क्या लगता है कि ये नेपोटिज्म होना चाहिए क्रिकेट के अंदर नहीं ऐसा अभी तक तो कोई भी नहीं है जो आप बात करना चाह रहे हैं जैसे मोइन भाई के बेटे की है आप उसकी परफॉर्मेंस देखें न्यूजीलैंड में नहीं चली उनकी परफॉर्मेंस देखें वो हर लड़का नहीं परफॉर्म कर सकता लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना आप उसमें तो परफॉर्मेंस देते हैं ना वही एक रास्ता होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने के लिए वो गया वहाँ पे उसने परफॉर्मेंस की है तो टीम में सेलेक्ट हुआ है उसके बाद फिर इमाम है बाकी भी लड़के आए हैं लेकिन अच्छा? वो अपनी परफॉर्मेंस पे आए हैं हमारे बैच के थे बाजीद खान ग्रेट माजिद भाई के बेटे आजम भाई को ना वैसे भी मेरा ख्याल है वो क्योंकि उनके वेट की वजह से ना अब आजम भाई ना बोले आपका बेटा इतना होगा आप मोइन भाई कह सकते हैं मोइन भाई के बेटे आजम को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं उसके वेट की वजह से ठीक है तो आपको लगता है कि वो फिटनेस लेवल जो है उनको वाकई अपना चेंज करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए अगर उसने लंबी क्रिकेट खेलनी है फिटनेस तो बड़ी ज़रूरी है और आपको पता है क्रिटिसिज्म कितना हुआ है कितनी बातें की गई हैं उसकी फिटनेस को लेके तो गाना भी लग गया ऊपर से देखिए बहुत कुछ लग गया है लेकिन यह है कि ज़रूरी भी है हर प्लेयर्स के लिए सिर्फ आजम के लिए नहीं हर प्लेयर्स के लिए उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है ऑफ सीज़न में जब क्रिकेट नहीं होती आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी पड़ती है नहीं जो पिंडा ही एड्डा ना रहा तो छक्के की फोर्स नहीं कट जाएगी उसकी फिर कितना स्टेडियम से बाहर क्राउड तक आ जाएगा छक्का तो लगेगा ना अच्छा कामरान भाई तुसी अपनी जिंदगी च इन्ने कप्तान वेखे ने जिन्ने पाकिस्तानियों ने अज तक वजीर आजम नहीं वेखे तुसी मैनु ए दसो के तुहानू किस कप्तान की कप्तानी च सब तो ज्यादा मजा नहीं आया मिसबा इतना ज़्यादा मैं खेला नहीं उसकी कैप्टनसी में इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कोई नेगेटिव और कोई ऐसी बात नहीं है और ते सोशल मीडिया उन दस्ते कर आइए जी चलते हैं माइंड द स्पिन की तरफ ओके इट्स टाइम टू प्ले माइंड द स्पिन आर यू गाइस रेडी जी जी रेडी हैं आप सर जी बिल्कुल जो जिस पे आया आपने वो जवाब देना है जी आए ओके Tell us your nickname, please. आपका निकनेम क्या था बचपन में? बचपन में गुड्डू कहते थे मुझे. गुड्डू. मुझे कहते थे गुड्डे. मेरा ख्याल है गुड्डा गुड़िया. ये तानू तो सही कहते थे ना गुड्डे. Oh, nice. Tell us your most awkward moment. हाय हाय हाय. कोई ऐसा awkward वाकया आप शेयर करना चाह रहे हैं हमारे से बस यही है कि जो परफॉर्मेंस जैसे वर्ल्ड कप का मैच था कैंडी में वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई टीम हार गई कैच निकल गए तो ये जरा मेरे लिए ऑकवर्ड था ऑकवर्ड था तो उसकी डांट पड़ी होगी
देखिए डांट तो नहीं, एक सीनियर प्लेयर जैसे समझाते हैं वैसे समझाया उन्होंने। और बट जी बंदा जो तो जवान हो जाता ना, डांट सिर्फ अम्मी को पैंदी है बच्चों की। You have to sing a song for us. Oye, 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 dil, oye. Dil, Pakistan, bas. तो कोई हॉबीज तो होंगी आपकी, गाना शाना या गाना सुनना, गाने सुनने की हॉबी तो है? बिल्कुल है, सुनने की, गुनगुना नहीं सकते बस। नहीं नहीं वो तो अल्लाह का शुक्र है, अपना ही ना ही ना ही करें ना, अगर प्रोग्राम ये हिट करना है तो फिर सुने ना। ओके Tell us, what do you eat on a cheat day? Cheat day पे क्या खाते थे? और ये तब जब आप proper खेल भी रहे हैं और वो strict menu भी चल रहा है, उस time पे जब cheat day होता था तो क्या खाते थे? देखिए हर sportsman कोशिश करता है जब cheat day हो ना तो pizza ही खाता है बस। अच्छा। या junk food burger खा लिए, तो ये होता था। लेकिन टूवर्स पे होता था ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या वेस्ट इंडीज़ चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, हलाल फूड की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। तो वहाँ पे हमें वेजी पिज़्ज़ा खाना पड़ता था या सी फूड खाना पड़ता था। साथ ये भी बताएं ना, क्रिकेटर चाहे हो लेकिन एक लाहौरिये के लिए तो सारे चीट डे होते हैं। ये आप व्हाट्सएप को देख के कह रहे हैं। लाहौरिये के लिए चीट डे नहीं होता, रिपीट डे होता है। थाई फूड पसंद है, चाइनीज पसंद है, इटालियन, अरेबियन, अरेबियन भी नहीं होता, मेडिटेरेनियन कहते हैं उसको। आ चलो यार कर लो, औखा कर, मेडिटेरेनियन कहते हैं, मेडिटेरेनियन। बट सब ऑनेस्टली बताऊं, होममेड मेरे लिए। क्या बात, हाय हाय हाय, जो अम्मी के हाथ का खाना बनता था, जो भी बनाती थी बड़ा मजा आता था। क्या बात, शादी के बाद वाइफ आए तो बस वो बड़े मजेदार खाने खिलाती है हमें। बाहर इतना शौक नहीं है, बच्चों के साथ होता है, लेकिन यह है कि कोशिश यही होती है कि घर पे ही खाना खाए। क्या बात, क्या बात, और घर पे ही खाना चाहिए भैया आपको भी। मैं केड़ा बार फिरता रहना। नहीं बार वो दो खाने ना कोई बुला ले। लास्ट मैसेज यू डिलीटेड। मैं बता तो नहीं सकता लेकिन हमारे दोस्त हैं, प्रोग्राम करते हैं स्पोर्ट्स का, नजीबुल हुसैन, उसने किया था, बड़ा बुरा तरीके वाला जो भेजा था ना। अच्छा, तो आपने डिलीट कर दिया? डिलीट कर दिया, मैंने कहा आइंदा से ना भेजना। अच्छा। नजीबुल हुसैन? हाँ जी। अच्छा, वो आपको मैसेज करती रहती हैं? जी। अब वो ऐसे ही बन गई हैं। अच्छा जी, लास्ट बताइए जी, स्पिन द व्हील। आप बताएं, एनीथिंग यू वुड लाइक टू स्टील? कोई ऐसी चीज जो आप चोरी करना चाहें? ओए होए होए, मेरे ख्याल से बैड अच्छा किसी का लगे तो दिल करता है चोरी करने का, लेकिन मैं पूछ लेता हूं यार, मैं ले लूं। लेकिन किसके पास सबसे अच्छी कलेक्शन है बैट्स? सबके पास जो बैट्समैन होते हैं। अच्छा। अब तो जो बॉलर्स हैं उनके पास भी बड़ी जबरदस्त बैट्स होते हैं। उनको उसी की चोरी करना है जी, जो बैट इस टाइम इलेक्शन कमीशन ने चोरी की था। बहुत दिनों तक यही बच जाएगी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, खवातीन और आजाद, आप देख रहे हैं माइंड ना करना। अब वक्त हो रहा है ब्रेकिंग द न्यूज। शुएब मलिक और सना की शादी के सवाल पर बुशरा अंसारी बरहम हो गई। भाई जाहिर है बुशरा, आपने माइंड तो करना ही था, आप क्यों किसी और की लाइफ में इन्वेजन करते हैं? Why can't people just mind their own business? अच्छा कवर किया आपने, बहुत अच्छे, well done. उमेर जसवाल और सानिया मिर्जा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों ने एक दूसरे के साथ इजारे हमदर्दी किया। उमेर जसवाल ने तो यकीनन ये गाना भी सुनाया होगा, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी। एक इंस्टाग्राम सारिफ ने ये लिखा है कि जब उन्हें शुएब की शादी की खबर मिली तो वो पानी पी रही थी। अच्छा। इतना शौक लगा उन्हें कि पानी उनके हलक में फंस गया। हालांकि इतना ज्यादा शौक तो सानिया मिर्जा को भी नहीं लगा। इस सोशल मीडिया सारिफ खातून से मेरी रिक्वेस्ट है कि आइंदा कभी भी पानी पीते हुए आप कोई खबर ना सुनिएगा, वो ना हो कहीं आप खुद खबर बन जाएं।
शुक्र है वो पानी पी रही थी, कुलचा नहीं खा रही थी, वरना लोगों ने कहना था कुलचा शौक लगा है फंसने। मोहम्मद हफीज का कहना है कि न्यूजीलैंड से हारने वाली तमाम वजूहात अवाम के सामने पेश करेंगे। शुक्र है शुएब मलिक की शादी के अलावा भी कोई खबर आई। आप इजी ले रहे हैं, इस खबर ने तो इलेक्शन की खबरों को मांग कर दिया। वो इसलिए कि इलेक्शन पहले ही बहुत ठंडा जा रहा है। शाह खावर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कायम मुकाम चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। अगर साहब का रिकॉर्ड देखें तो ये निगरान वजीर आला भी बनेंगे और बाद में पीसीबी के बकायदा चेयरमैन भी बनेंगे। एडी शोखी ना हो, ऐसी सहूलत सिर्फ नजम सेठी साहब में मिलेगी। ओ नजम साहब, और अब कुछ सवालात हैं हमारे ऑडियंस से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया इरफान है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में जीतने के कितने चांसेस? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, कोशिश करेंगे 100% चांसेस हो, टीम ऐसी बनाए और आप देखेंगे इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस आएगी पाकिस्तान टीम। और कितना अच्छा सवाल किया बच्ची ने, लेकिन एहो जी ने पूछो ना क्रिकेट पसंद है, कहंदे नहीं मैं तो लूडो खेलती हूं। अब आपने ये बात की अब कोई सवाल नहीं करेगा। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे सवाल है कि आपके भाई उमर अकमल तो इंस्टाग्राम पे बहुत नजर आते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं नजर आते? ओ भाई इंस्टाग्राम पे बड़े नजर आते हैं और वो एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, बड़ा स्टाइल वगैरह भी कर रहे होते हैं, आप क्यों नहीं नजर आते? अब बहुत कम कर दिया। क्यों? मैंने कहा क्रिकेट की तरफ फोकस करो। अच्छा। इसलिए मैं कम नजर आता हूँ, मैं अब इतना खेलता नहीं हूँ। okay. तो मैं जरा अपने काम से ज्यादा फोकस रख रहा होता हूँ। इसका मतलब है आपका इंस्टाग्राम है वैसे? जी है। अच्छा ठीक है, और उस पर कितने लाइक्स? बस सब मैं पोस्ट करूंगा तो लाइक्स आएंगे ना। ये भी है जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम जो टीम की सिलेक्शन करते हैं वो PSL की बेस पे ज़्यादा करते हैं, तो जब प्लेयर्स नेशनल टीम में जाते हैं तो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर उन्हें डोमेस्टिक में आना पड़ता है, तो हम अपनी सिलेक्शन को इतना क्यों नहीं करते कि हम डोमेस्टिक से इनकी सिलेक्शन करें या डोमेस्टिक सिस्टम को हम इतना स्ट्रॉन्ग करें? बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, और हम लोग भी यही चाहते हैं। जो हमारी जो अब सिलेक्शन कमेटी है ना, हमने अपना प्रोसेस यही बनाया कि अब सिलेक्शन PSL या T20 से नहीं होगी, जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है वहाँ से होगी, क्योंकि हम लोग भी आए, हमारे से पहले वाले भी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आते हैं, एक्सपीरियंस 1-2 साल का होना तो प्रेशर भी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, इंटरनेशनली फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं। इंशाल्लाह अब आने वाली सिलेक्शन ऐसे ही देखेंगे। एहो जिहा मुंडा अच्छा सवाल करके ना तो नाल दे दा फोन चुक लैंदा हुंदा। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा कामरान भाई से सवाल ये है कि आप बाबर आजम के बारे में क्या सोचते हैं, वो कैसा प्लेयर है, वो अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता है या उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है? जो तो पहले दस रहे सन वो तो कोमे च सन। एडी ठंडी मारी है, गर्मी लग रही सी, ठंड हो गई है। जी क्या बात है, क्या बात। जी बताइए। पहले तो ये है कि वाजिद भाई के साथ इसको बिठाएं। बताने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आपके टॉप के 2-3 प्लेयर्स निकाले ना उसमें बाबर आता है। और मैंने पहले भी जैसे वाजिद भाई ने बताया कि इतने कम टाइम पे कम मैचेस में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस करना किसी ने पाकिस्तान की तरफ से नहीं की, तो अमेजिंग प्लेयर है और चांसेस तो रहते ही हैं जब तक आप खेलते हैं, लेकिन यह है कि अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाता जाए, ऐसा प्लेयर है और ऐसा एसेट है पाकिस्तान का। क्या वाह वाह। जहाँ हम लोग पाकिस्तान के एसेट की बात कर रहे हैं, तो हमारी अपनी ऑडियंस के अंदर इतना टैलेंट है कि हम लोग ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को देते हैं ताकि आप यहाँ आएँ और अपना टैलेंट हमें दिखाएं। आज हमारे पास 3 डैशिंग बॉयज़ आए हुए हैं, वो अपने टैलेंट दिखाने वाले हैं। इनमें से एक सिंगर है, एक मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं और एक मुझे पता नहीं क्या करते हैं। उन्होंने मुझे 500 रुपये का नोट दिया था कि मुझे जेल उन्होंने मुझे 500 रुपये का नोट दिया था कि खुदा के वास्ते मुझे स्कूल से बुला लो। आइए सबसे पहले अली अरसलान। नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सो जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर,
तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं। वाह जी वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। बट साहब कितना अच्छा बच्चे ने गाया, एहो जिहा मुंडा अच्छा गा के कहिंदा गाना कट देना मेरे अब्बू माइंड कर देने। आइए जी, खाली लत्तां ही आईयां, मुंडा कित्थे जे? जी आपका नाम? मौजम अली। मौजम अली क्या गाएंगे? साहिल पे खड़े हो। ओहो, अरे गुड। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। वाह वाह, डूब भी नहीं सकता क्योंकि लकड़ कभी भी नहीं डूबती पाई। ये गाना जिसको भी आपने डेडिकेट किया है, आई होप कि वो सुन रही हो। आज ही आइए। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? जुहेब। जी आप अपने नामालूम अफराद को संभालिए, इस मलिका त्रनुम से नीमे कलेशन को निशाना ठस ठस वच। वेल्डन, असी तेनू कुछ नहीं कहना, तू आज सोएगा तेरी ख्वाब से जरदारी साहब आने। नहीं भाई, बड़ी अच्छी आपने मिमिक्री की और मैं तो आपको कहूंगा कि इसको और ज्यादा इंप्रूव करें, आपके अंदर एक टैलेंट है और इस चीज को आगे लेके आए, क्या पता अगले दो दिन बाद आप यहाँ बैठे हो। अरे वाह। जाने से पहले ये कैसे हो सकता है कि हम ये ना जाने कि हमारी सेलिब्रिटी किस चीज को माइंड करती है? विद माइंड द रियल। मैं माइंड करता हूँ, और जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट पिछले 5-6 साल से चल रही थी, स्पेशली जो हमारा पिलर था पाकिस्तान की क्रिकेट का वो था डिपार्टमेंट क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट, जैसे वो ख़त्म की गई उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी सफ़र कर रही है, प्लेयर्स बड़े सफ़र कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे आया, जिसकी वजह आप रिसेंटली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं 5-6 साल से जैसी आ रही है। तो इसलिए मुझे लगा कि इस क्रिकेट ख़त्म होने की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का ग्राफ नीचे गया। ख्वातीन रज़ात, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा और ज़्यादा माइंड भी ना कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।